सृष्टि के निर्माण का क्षण। खोलती है मूक माटी, सृष्टि के निर्माण का क्षण। खोलती है मूक माटी, कितने कालों से धरा पर डोलती है मूक माटी। तत्व जीवन के मिलाकर तोलती है मूक माटी। हम बहुत अनभिज्ञ हैं, आभास ही हमको नहीं है, वरना हर पल जाने क्या क्या बोलती है मूक माटी। ज्ञान कथाएं विद्या सागर जी की सब खोलेंगी, वही मूक माटी अब बनकर पूर्णमति बोलेगी।
माटी एक महान संत की आत्मा का संगीत है। त्याग, तप और तेज की अनुभूतियों से गूंजता हुआ ये महाकाव्य अध्यात्म सरोवर के राजहंस सौम्य स्वभावी ग्रंथराज समयसार और मूलाचार की जीवंत अनुकृति पूज्यपाद आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की लेखनी का अद्भुत और विलक्षण चमत्कार है, जिसमें पददलित माटी को महाकाव्य का विषय बनाकर उसे संपूर्ण जीवन दर्शन का प्रतीक बना दिया। मुक्ति के द्वार को खोलने में सर्वथा सक्षम अध्यात्म की अनोखी अनुभूतियों का प्रतिबिंब है ये मूक माटी, जिसमें व्यथा, करुणा, मार्मिकता, आस्था और आनंद की अमराइयाँ चार खंडों में पुष्पित और गुम्फित हो साकार होकर बोलती हैं। इसमें अंधकार से प्रकाश तक की और निगोद से मोक्ष तक की संपूर्ण यात्रा समाहित है। माटी इस महाकाव्य की मुखरित नायिका है और कुंभकार है नायक। माटी शिष्य का रूप है तो कुंभकार है गुरु। वात्सल्य और करुणा के अजस्र स्रोत को बहाने वाले श्री गुरुदेव ने अपने सुविचारों के वैभव से माटी को वो वरदान दिया कि उसके स्वर मुखरित हो उठे। मनस्वी चेतना के उच्चाशय शिखर स्पर्शी कवि हृदय आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के मूक माटी महाकाव्य के प्रथम खंड की मंगल यात्रा निशा के अवसान और उषा के शान से प्रारंभ होती है। यह मंगल यात्रा प्रतीक है मिथ्यात्व की गहन रात्रि के समाप्त होने का और सम्यक स्वरूप मंगलमय सुप्रभात का। प्रकृति पुरुष श्री गुरुदेव ने प्रकृति के सौंदर्य से इस महाकाव्य की पावन यात्रा का सूत्रपात किया है, जो हमें आत्म स्वभाव को पाने का शुभ संकेत दे रही है। एक ओर बाल रवि उनिंदासा करवटे ले रहा है तो दूसरी ओर सरपट सागर की ओर सरकती सरिता तट की माटी माँ धरती से कहती है, हे माँ, स्वयं पतिता हूँ और पातिता हूँ, औरों से अधम पापियों से पद दलिता हूँ। माँ, इस पर्याय की इति कब होगी, इस काया की च्युति कब होगी, बता दो माँ, बता दो माँ, इसे कुछ उपाय करो माँ, खुद अपाय हरो माँ, और सुनो और सुनो सुनो माँ, विलंब मत करो, पद दो, पथ दो, पाथे भी दो माँ। माटी के हृदय की व्यथा सुन माँ धरती के शांत आनंद पर स्नेह सिक्तता उद्भासित हुई और माँ धरती ने माटी को संबोधित किया, सत्ता शाश्वत होती है बेटा, सत्ता भास्वत होती है बेटा, प्रति सत्ता में होती है अनगिन संभावनाएं, उत्थान पतन व खसखस का दाना सा बहुत छोटा होता है बड़का बीज वहाँ, किंतु समुचित क्षेत्र में उसका वपन हो, समयोचित खाद हवा जल उसे मिले, अंकुरित हो, कुछ ही दिनों में विशाल काय धारण करवट के रूप में अवतार लेता है, यही इसकी महत्ता है। सत्ता शाश्वत होती है, सत्ता भास्वत होती है बेटा। प्रत्येक आत्मा में परमात्मा होने की क्षमता है, बशर्ते उसे सही समागम मिले।
सुनो बेटा, उजली उजली जल की धारा बादलों से झरती है, धला धूल में अधूमील हो दलदल में बदल जाती है। वही धारा यदि नीम की जड़ों में जा मिलती, कटुता में ढलती है, सागर में जा गिरती, लवणाकर कहलाती है। वही धारा बेटा विषधर मुख में जा विषहाला में ढलती है, सागरीय शुक्ति का में गिरती, स्वाति का काल हो मुक्ति का बनकर झिल मिलाती है। वही बेटा जलीय सत्ता जैसी संगति मिलती है वैसी मति होती है, मति जैसी अग्रिम गति मिलती जाती मिलती जाती। और यही हुआ है युगो युगो से भवो भवो से। समझी बात? असत्य की सही पहचान ही सत्य का अवधान है बेटा। तुम्हें निश्चित ही अपनी मंजिल मिलेगी, लेकिन ध्यान रखना आस्था के साथ साधना की भी जरूरत होती है। प्राथमिक दशा में साधना के क्षेत्र में स्खलन की संभावना भी पूरी बनी रहती है बेटा। स्वस्थ प्रौढ़ पुरुष भी क्यों न हो, काई लगे पाषाण पर पद फिसलता ही है। इतना ही नहीं, निरंतर अभ्यास के बाद भी स्खलन संभव है। प्रतिदिन बरसों से रोटी बनाता खाता आया हो, तथापि वह पाक शास्त्री की पहली रोटी करड़ी क्यों बनती बेटा? इसीलिए सुनो, आयास से डरना नहीं, आलस्य करना नहीं। और अंत में इससे यही फलित हुआ कि संघर्षमय जीवन का उपसंहार वह नियम रूप से हर्षमय होता है। धन्य। इसीलिए तो बार बार यह स्मृति दिलाती हूँ कि टालने में नहीं, सती संतों की आज्ञा पालने में ही, पूत का लक्षण पालने में यह सूक्ति चरितार्थ होती है बेटा। और कुछ क्षणों तक मौन छा जाता है। माटी ने धरती माँ की हर बात को हृदय से स्वीकार किया और वो कहती है माँ धरती से, हे माँ, चेतन की इस सृजनशीलता का भान किसे है, चेतन की इस श्रवणशीलता का ज्ञान किसे है, इसकी चर्चा भी कौन करता है रुचि से, कौन सुनता है मति से, और इसकी अर्चा के लिए किसके पास समय है। माँ, आज तक इस जीवन में आध्यात्मिक अंकुर कभी नहीं फूटे। सच है, इस महाकाव्य के सृजेता गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज ने प्रत्येक पृष्ठ पर नैतिकता, सात्विकता और धार्मिकता को समय समय पर उकेरा है, किंतु श्रोता जब आध्यात्मिक दृष्टिकोण से श्रवण करता है तो प्रत्येक अक्षरों से उभरता है आध्यात्मिक रस और आत्मिक आनंद झरने लगता है। माँ धरती कहती है, वाह वाह, धन्यवाद बेटा, मेरे आशय को तुमने समझ लिया, अब मुझे कोई चिंता नहीं। और कल की मंगलमय प्रभात में कुंभकार आएगा तुम्हें पतित से पावन बनाने, समर्पण भाव से तुम्हें उनके चरणों में प्रणिपात करना है, अपनी यात्रा का सूत्रपात करना है। कुंभकार के आगमन के समय सूर्य रश्मियाँ अपना प्रकाश बिखेर चुकी थी। ठीक ही है, जब भव्य आत्मा को गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है तो ज्ञान रश्मियाँ उसे अंतः प्रकाश से समालोकित कर देती हैं, और ये मंगल घटना का संकेत। बाएं हिरण दाएं जाए, लंका जीत राम घर आए, यही दृश्य यहाँ देखा जा रहा है और भविष्य में विजय की कामनाएं साकार हो उठी हैं। कुंभकार ने ओमकार को नमन कर अहंकार का वमन किया, तदनंतर माटी को कुदाली से खोदना प्रारंभ किया, जैसे साधक ज्ञान की कुदाली से आत्मरस को खोदता है। भोली माटी बोरी में भरी जा रही है और अपनी पीठ पर रख कर गदहा जा रहा है उपाश्रम की ओर। किंतु खुरदरी बोरी की रगड़ से पीठ छिल रही है, पीर मिल रही है। आंसुओं के बहाने बाहर आ पूरी बोरी को भिगोती सी माटी की अनुकंपा मानो कह रही है, दूसरों पर दया करना ही स्व की याद करना है। तभी गधा प्रार्थना करता है, मेरा नाम सार्थक हो प्रभो, यानी गध का अर्थ है रोग, हा का अर्थ है हारक, मैं सबके रोगों का हंता बनूं, बस और कोई वांछा नहीं। गधा गधा
माटी की करुण भावना ने गधे की पीठ के गांव में मृदु मरहम का काम किया तो गधे की अनुकंपा से माटी के गाल घावहीन हो छेद शून्य हो धुल गए। परस्परो पग्रहो जीवानाम यह सूत्र सूक्ति चरितार्थ हुई। कर्म विजय की इस यात्रा में उपाश्रम का परिसर आ गया। तुरंत बारीक तार वाली चालनी लाई गई और माटी छानी जा रही है। स्वयं शिल्पी चालनी का चालक है। वास्तव में गुरु ही शिष्य के विकारी कंकरों को निकाल सकते हैं। तभी माटी का संशोधन हुआ और माटी को संबोधन हुआ, किंतु निष्कासित कंकरों में समुचित सा अनुभूत संक्रोधन हुआ। तथापि संयत भावों में शिल्पी से निवेदन करते हैं वे कंकर कि हमारा वियोगीकरण माँ माटी से किस कारण हो रहा है। मृदु शब्दों में शिल्पी ने कहा कि नीर का क्षीर बनना ही वर्ण लाभ है, वरदान है, और क्षीर का फट जाना ही वर्ण संकर है, अभिशाप है। इससे ही फलित हुआ अलम विस्तरेण। शिल्पी ने कहा, अरे कंकरों, माटी से मिलन तो हुआ पर माटी में मिले नहीं तुम, माटी से छुबन तो हुआ पर माटी में घुले नहीं तुम। इतना ही नहीं, चलती चक्की में डालकर तुम्हें पीसने पर भी अपने गुण धर्म भूलते नहीं तुम। भले ही चूर्ण बनते रेतिल माटी नहीं बनते तुम। तुम्हें कहाँ है वह जल धारण करने की क्षमता? जलाशय में रहकर भी युगों युगों तक नहीं बन सकते जलाशय तुम। मैं तुम्हें हृदय शून्य तो नहीं कहूँगा, परंतु पाषाण हृदय अवश्य है तुम्हारा। दूसरों का दुख दर्द देख कर भी नहीं आ सकता कभी उसे पसीना, है ऐसा तुम्हारा सीना। अंत में कंकरों का दल रो पड़ा, फिर प्रार्थना के रूप में, ओ मानातीत मार्दो मूर्ति माटी माँ, एक मंत्र दो इसे जिससे कि यह हीरा बने और खरा बने कंचन सा। कंकरों की प्रार्थना सुनकर माटी की मुस्कान मुखरित होती कि संयम की राह चलो, राही बनना ही तो हीरा बनना है। स्वयं राही शब्द ही विलोम रूप से कह रहा है, राही हीरा। तन और मन को तप की आग में तपा तपा कर जला जला कर राख करना होगा, यतना घोर करना होगा, तभी कहीं चेतन आत्मा खरा उतरेगा। खरा शब्द स्वयं ही विलोम रूप से कह रहा है, राख बने बिना खरा दर्शन कहाँ। राख खरा, आज माटी को बस फुलाना है। और इस कार्य है तो प्रांगण में कूप है, कूप पर खड़ा है कुंभकार। कर में थी बाल्टी भंवर कड़ीदार, उसे नीचे रखता है और उलझी रस्सी को सुलझा रहा है। झड़सी वह सुलझती भी, पर सुलझाते समय रस्सी के बीचों बीच एक गांठ आ पड़ी। कसी गांठ है वह, बहुत पुरुषार्थ करने पर भी गांठ खुल नहीं रही है। तब उत्तेजित हो घटती इस घटना को देख कर रसना भी बोल उठी, ओरी रस्सी, मेरी और तेरी नाम राशि एक ही है, परंतु आज तो रस्सी नहीं नीर नीरस लग रही है। सीधी सादी थी अब तक ना दीदी दी सीमा, नहीं जाती थी उदारानुदरासी, अब सरला नहीं रही तू। घनी गठीली बनी है और घनी हठीली बनी है, हठ छोड़कर गांठ को ढीली छोड़, अन्यथा पश्चाताप हाथ लगेगा तुझे चंदपलों में, जब अविभाज्य जीवन तेरा विभाजित होगा दो भागों में। और इस निंद्य कार्य के प्रति छी छी थू थू कह धिक्कारती सी रसना गांठ के संधि स्थान पर लार छोड़ती है। परिणाम यह हुआ कि रस्सी हिल उठी अपने भयावह भविष्य से और कुछ ही पलों में गांठ भीगी, नरमाई आई उसमें ढीली पड़ी वह, फिर क्या पूछो। दांतों की गरमाई आई, सफलता को देखकर ऊपरी और निचले सामने के सभी दांत तुरंत गांठ को खोल देते हैं। ये सच है, मोक्ष के मार्ग में गांठ कभी भी स्वीकार नहीं की जा सकती। मिथ्यात्व की गांठ खोलना अनिवार्य है ना, इसीलिए जैन दर्शन में श्रवण का मार्ग निर्ग्रंथों का मार्ग है। अब रस्सी पूछती है रसना से कुछ जिज्ञासा का भाव ले कि तुम्हारे स्वामी को क्या बाधा थी इस गांठ से।
सो रसना रहस्य खोलती है। सुनरी रसी, मेरे स्वामी संयमी हैं, हिंसा से भयभीत और अहिंसा ही जीवन है उनका। उनका कहना है कि संयम के बिना आदमी नहीं, यानी वही आदमी है जो यथा योग्य सही आदमी है। समझी बात? ओरी रस्सी बावली कहीं की मेरी आली। इधर इधर ये क्या? उस कूप में एक मछली सोच रही है कि मुझे कोई ऊपर की ओर ले चले। इतने में ही एक बाल्टी यान सम उतरती हुई दिखाई दी, जिस पर लिखा हुआ था धम्मो दया विशुद्ध धम्मम शरणम गच्छामि। वह संकल्पिता मछली उस बाल्टी में प्रवेश कर जाती है, किंतु अन्य साथी मछलियां रोकती हैं उसे और कहती हैं कि दया का कथन निरा है और दया का वतन निरा है। कहां तक कहें, अब धर्म का झंडा भी डंडा बन जाता है, शास्त्र शस्त्र बन जाता है अवसर पाकर। और प्रभु स्तुति में तत्पर सुरीली बांसुरी भी बांस बन पीट सकती है। प्रभु पथ पर चलने वालों को समय की बलिहारी है, यह संसार की वास्तविकता है। मुक्ति की राह पर चलने के लिए तत्पर मुमुक्षु आत्मा को विचलित किया जाता है। सखी की बात सुन मछली पुनः कहती है, यदि तुझे नहीं आना है मत आ, परंतु उपदेश देकर व्यर्थ में समय मत गवा। कुछ ही क्षणों में इस अवसर पर पूरा पूरा परिवार आ उपस्थित होता है और मुदित मुखी वह तैरती हुई मछलियों से उड़ती हुई तरल तरंगे तरंगों से घिरी मछलियाँ ऐसी लगती है कि सबके हाथों में एक एक फूल माला है और सत्कार किया जा रहा है महा मछली का। नारे लग रहे हैं, मोक्ष की यात्रा सफल हो, मोह की मात्रा विफल हो, धर्म की विजय हो, कर्म का विलय हो, जय हो जय हो जय हो, जय 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 हो। और वह बाल्टी यान सम ऊपर उठने को है और मंगल कामना मुखरित होती है मछली के मुख से। यही मेरी कामना है कि आगामी छोर हीन काल में बस इस घट में काम ना रहे, विषय भोग का वास ना रहे और लबालब जल से भरी हुई बाल्टी कूप से ऊर्ध्व गति वाली होती है। अब जैसे ही वह बाल्टी अबाधित ऊपर आई भू पर, बाल्टी ले कुंभकार बड़ी सावधानी से धार बांधकर दोहरे कपड़े से जल छानता है। इतने में ही शिल्पी की दृष्टि थोड़ी सी फिसल जाती है अन्यत्र और वह मछली फिसलकर माटी के पावन चरणों में जा फूट फूट कर रोती है, जैसे अनंत काल से भटकती आत्मा को पहली बार वीतरागी प्रभु की शरण मिली। तभी उसकी आंखें संवेदना से भर जाती हैं और वेदना से घिर आती हैं। अब मछली कहती है माटी को, कुछ तुम भी कहो माँ। मछली की प्रार्थना सुन माटी कहती है, सुनो बेटा, यही कलयुग की सही पहचान है, जिसे खरा भी अखरा है सदा और सतयुग तो उसे मान बुरा भी बुरा सा लगा है सदा। समझी बात बेटा? तब मछली कहती है, इसीलिए मुझे संलेख ना दो माँ, बोधि के बीच सो उल्लेख ना दो माँ, मुझे देखने दो समाधि को बस देख सकूं। इस पर मुस्कान लेती हुई माटी कहती है कि संलेखना यानी काय और कषाय को क्रश करना होता है बेटा, और अंत में यही कहना है कि अपने जीवन काल में छली मछलियों से छली नहीं बनना, विषयों की लहर में भूल कर भी मत छली बनना और सुनो मासूम मछली रहना, यही समाधि की जनी है। और माटी संकेत करती है शिल्पी को कि इस भव्यात्मा को कूप में पहुंचा दो सुरक्षा के साथ अविलंब, अन्यथा इसका अवसान होगा तो उसके भागे तुम बनोगे। तभी कूप में एक बार और दया विशुद्ध धम्मो ध्वनि गूंजती है और ध्वनि से ध्वनि प्रतिध्वनि निकलती हुई दीवारों से टकराती टकराती ऊपर आ उपाश्रम में लीन डूबती सी मूक माटी। यह प्रथम खंड पूर्ण हुआ।
अध्यात्म जगत के अनमोल रत्न, हिमालय से ऊंचे त्यागी, सागर से गहरे ज्ञानी, महाकवि आत्मानुभवी आचार्य मनीषी ने इस महाकाव्य के द्वितीय सोपान को नाम दिया है शब्द सो बोध नहीं, बोध सो शोध नहीं। शब्द शक्ति सामर्थ्य है जिसे रोम रोम में शोध बैरागी तन कर रहा रोम रोम में शोध। माटी की मंगल यात्रा जारी है और शिल्पी कुमकुम सम मृदु माटी में मात्रानुकूल मिलाता है छना निर्मल जल, नूतन प्राण फूंक रहा है माटी के जीवन में करुणा में कणकण में। माटी को ज्ञानी की उपमा देते हुए महाकवि कहते हैं कि अस्थिर को स्थिरता मिली, अचिर को चिरता मिली, नव नूतन परिवर्तन। हाँ, अब चलती शीतकाल की बात है, शिल्पी की वह सहज रूप से कटती सी रात है, तभी कुछ कहती है माटी शिल्पी से बाहर प्रांगण से ही, काया तो काया है, जड़ की छाया माया है, लगती है जाया सी, सो कम से कम एक कम्बल तो काया पर ले लो ना। और चुप हो जाती है माटी। तुरंत फिर शिल्पी से कुछ सुनती है, कंबल वाले ही कंबल वाले होते हैं और काम के दास होते हैं, हम बल वाले ही राम के दास होते हैं और राम के पास होते हैं। दूसरी बात यह है कि स्वभाव से ही प्रेम है हमारा और स्वभाव में ही क्षेम है हमारा, पुरुष का प्रकृति में रमना ही मोक्ष है सार है और अन्यत्र रमना ही भ्रमना है मोह है संसार है। इस प्रकार शिल्पी के सहज जीवन के साथ माटी की अंतर यात्रा सहज चल रही है। फूल दलों से पूरी फूली माटी है किंतु अभी रूखापन है, चिकना हटकी चूली का तक पहुंचाने शिल्पी का आगमन हो रहा है। तभी जैसे पुण्य कर्म में पाप कर्म के कांटे विघ्न पैदा करते हैं, वैसे ही एक कांटा जो माटी खोदने के अवसर पर कुदाली की मार खाकर जिसका सर अध फटा है, जिसका कर अध कटा है, दुबली पतली सी कमर कटी थी उसकी वहीं अब और कटी है, जिधर की टांग टूटी है उधर की ही आंख फूटी है, और चपला अबला उम्र पर भी असर पड़ा है मार का लगभग वह भी घटिए, कहाँ तक कहें कांटे की कटीली काया दिखती अब अटपटी सी है। कांटे ने शिल्पी से बदला लेना ठान लिया है। तभी माटी ने कहा, सुनो, बाली से बदला लेना ठान लिया था दशानन ने, फिर क्या मिला फल? तन का बल मथित हुआ, मन का बल व्यथित हुआ और यश का बल पतित हुआ, यही हुआ ना। त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम, यूं चिल्लाता हुआ राक्षस की ध्वनि में रो पड़ा, तभी उसका नाम रावण पड़ा। इस पर कांटे अपनी महत्ता अनेक उदाहरण से बताते हैं, किंतु अंत में क्षमा की मूर्ति शिल्पी की शांत मुद्रा को देख कर कांटा माटी से कहता है कि कम से कम शिल्पी इस भूल के लिए क्षमा याचना तो करे माँ। यह सुनते ही शिल्पी ने कहा, क्षमामि क्षमन्तुमे, क्षमा करता हूँ सबको, क्षमा चाहता हूँ सबसे। सुनते ही बोध भाव का आगमन हुआ और शोध भाव को नमन हुआ, कांटे के बदले की भावना बदल गई। सच है, सच्चे हृदय से की गई क्षमा शूल को भी फूल बना देती है। तुरंत ही कांटा शिल्पी से कहता है, भूल क्षम्य हो स्वामी, इसे एक अच्छा मंत्र दो। इस पर शिल्पी कहता है, मंत्र न ही अच्छा होता है और न ही बुरा, अच्छा बुरा तो अपना मन होता है, स्थिर मन ही वह महामंत्र होता है और अस्थिर मन ही पाप तंत्र स्वच्छंद होता है। मोह और मोक्ष के संबंध में कांटे की जिज्ञासा पर शिल्पी का संबोधन होता है कि अपने को छोड़कर पर पदार्थ से प्रभावित होना ही मोह का परिणाम है और सबको छोड़कर अपने आप में भावित होना ही मोक्ष का धाम है। गूढ़ अध्यात्म को सुनकर कह उठा कंटक, धन्य हो धन्य हो। अब शिल्पी का आगमन हो रहा है माटी की ओर।
फूली माटी को रौंदना है, रौंद कर लौंदा बनाना ही रौंदन क्रिया भी वह हथेलियों से संभव नहीं, वह पत्तलियों से ही संभव है। किंतु अचानक शिल्पी का दाहिना पद चेतना रहित हो रहा है, खून का बहाव था जिसमें उसमें खून का जमाव हो रहा है। अब शिल्पी की पांचों इंद्रियां माटी को रौंदने में अनुमोदना तक नहीं करती, तब मौन छा जाता है। वाणी करते प्रश्न ये मन तो क्यों है मौन, इन सांसों के बीच में वो इतने में शिल्पी का चेतन अपना आशय बताता है। वेतन वाले वतन की ओर कम ध्यान दे पाते हैं और चेतन वाले तन की ओर कब ध्यान दे पाते हैं। इसी बीच शिल्पी का अंतरंग उपयोग जागृत होता है और उसका दाहिना चरण ही सर्वप्रथम मंगलाचरण करता है। शनि शनि ऊपरिल नीचे की ओर, निचली ऊपर की ओर, छटपट छटपट उल्टी पलटी जाती माटी और मोम की भांति माटी की मृदुता निखर चुकी है। रौंदन क्रिया और गति पकड़ती है और पूरा चलकर विश्राम करो। इस पंक्ति ने शिल्पी के चेतन को सचेत किया। माटी की गहराई में डूबते हैं शिल्पी के पद आ जानो। माटी के लिप्टन की इस क्रिया में महासत्ता माटी की बाहुओं से फूट रहा है वीर रस और इस प्रकार क्रमशः हास्य, रौद्र, भय, विस्मय, श्रृंगार, बीभत्स और करुणा इन आठ लौकिक रस का मनोहारी चित्रण कर अंत में अलौकिक शांत रस का सौम्य शब्दों में वर्णन किया है। करुणा, वात्सल्य और शांत रस का सुंदर विवेचन करते हुए पूर्ण हो जाती है रौंदन क्रिया और माटी का लौंदा बना चक्र को घुमाता है शिल्पी, जैसे कि प्रभु होने के लिए प्रभु के चारों ओर परिक्रमा चक्कर लगाता है भव्य। वैसे ही माटी घूम रही है और पिंड से पिंड छुड़ाती हुई कुंभ के रूप में जा ढलती है। घृत से भरा घट सा बड़ी सावधानी से शिल्पी ने चक्र पर से कुंभ को उतारा धरती पर। दो तीन दिन का अवकाश मिला तो कुंभ का गीलापन मिट गया, सो उसका ढीलापन भी सिमट सा गया। आज शिल्पी को बड़ी प्रसन्नता है। कुंभ को उठा लिया है हाथ में, एक हाथ में सोट लिया, दूसरे हाथ में कुंभ को ओट देकर खोट पर चोट की। तदनंतर कुंभ पर तद्वोद्घाटक संख्याओं, शब्दों और अंकों में सुंदर कविताओं का चित्रण किया। 9 और 99 जो कि मोक्ष और संसार की प्रतीक हैं, दूसरी कविता 63 और 36 जो शलाका पुरुष और दुर्जनों का प्रतीक है, तीसरी श्वान और शेर जो मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि का प्रतीक है, इसी भांति कछुआ और खरगोश में प्रमादी और निष्प्रमादी की पहचान कराते हुए ही और भी जो कि एकांत और अनेकांत मत का प्रतीक है, वीतरागी मूरत का दर्शन कराते हुए कर पर कर दो। मानव जीवन मरहम की भांति कोमल बने, ऐसी जीवंत कविता चित्रित है मरहम मरहम बने और अंतिम कविता है मैं दोगला। इसके तीन रत्न की धारी महाकवि ने तीन अर्थ बताते हुए कहा, मैं द्विभाषी हूँ, मैं धूर्त मायावी हूँ और मैं यानी अहम को दोगला अर्थात समाप्त कर दो। इस प्रकार वट के बीच की भांति अल्प शब्दों में गुरुतम गहन अर्थ लिए कविताएं निर्मित हो जाती हैं। अभी कुंभ में जलीय अंश शेष है, उसको सुखाना है। कुंभ को रखता है कुंभकार धरती पर और इधर वसंत ऋतु का अंत हो चुका है, यहाँ चल रही है केवल तपन तपन तपन। गर्मी का मौसम है परंतु भविष्य भला नहीं दिखता। अब भाग्य का भाल धूमिल है, अधर में डुलती सी बादल दलों की बहुलता। हे प्रभु, अकाल में काल का दर्शन क्यों?
इस दृश्य को साक्षी भाव से निहारती सी मूक माटी। अब हम सुनेंगे अगले तृतीय खंड में पुण्य का पालन और पाप का प्रक्षालन कैसे होता है। जीवन मरण समान है, पाप पुण्य है दो। पुण्य करे तो पाप का प्रक्षालन झट हो। सागर धरती के वैभव को बहा बहा कर ले गया है। यह जलधि ने जड़धि का बुद्धिहीनता का परिचय दिया है। अपने साथ दुर्व्यवहार होने पर भी प्रतिकार नहीं करने का संकल्प लिया है धरती ने। इसीलिए तो धरती सर्वस्वाहा कहलाती है, सर्वस्वाहा नहीं। न्याय पथ के पथिक बने सूर्य नारायण से यह अन्याय देखा नहीं गया, सहा नहीं गया, तब प्रखर प्रखर तर अपनी किरणों से जलधि के जल को जला जला कर सुखा दिया। चुरा कर भीतर रखा हुआ अपार धन वैभव दिख गया। कई बार भानु को घूस देने का प्रयास किया गया, पर न्याय मार्ग से विचलित नहीं हुआ वह, परंतु चंद्रमा विचलित हुआ और उसने जल तत्व का पक्ष लिया। लक्ष्य से चित हो भरपूर घूस ले लिया, तभी तो उज्ज्वल भाल कलंकित हुआ उसका। अन्यथा दिन में क्यों नहीं, रात्रि में क्यों निकलता है घर से बाहर। खेद है, चंद्रमा का ही अनुसरण करती हैं ताराएं भी। सच है, अर्थ की आंखें परमार्थ को देख नहीं सकती। जैसे रागी द्वेषी मोही की आंखें वीतरागी का दर्शन कर नहीं सकती। जल को मुक्ता के रूप में ढालने में शुक्ति का सीप कारण है, और सीप स्वयं धरती का अंश है, बांस भी धरती का अंश है। बादलों से गिरा जल बांस की संगति पा वंश मुक्ता में बदलने लगा। इसी भांति धरती माँ की आज्ञा पालने में रथे वंश मुक्ता, सीप मुक्ता, नाग मुक्ता, सूकर मुक्ता, मच्छ मुक्ता, गज मुक्ता और मेघ मुक्ता। इन सब विशेषताओं से सातिशय यश बढ़ता गया धरती का, किंतु जैसे विषय भोगी को वितराग विज्ञान अच्छा नहीं लगता, वैसे ही चंद्रमा की चांदनी को धरती का यश अच्छा नहीं लगता। इसी प्रसंग में मंगल घट की मंगलमय यात्रा आगे प्रयाण करती है। 3-4 दिन हो गए किसी कारणवश विवश होकर जाना पड़ा कुंभकार को बाहर, पर प्रवास पर तन ही गया है उसका। मन यहीं पर बार बार लौट आता आवाज पर। इस बीच सागर के संकेत पाकर गजगामिनी ब्रह्मभामिनी दुबली पतली कटी वाली गगन की गली में अबलासी पीत पद्म शुक्ल लेशाधरी तीन बदली निकल पड़ी है। बदलियों का प्रयास चलता है सर्वप्रथम प्रभा को प्रभावित करने का। कुछ ही पलों में प्रभा तो प्रभावित हुई, किंतु प्रभाकर के पराक्रम में कमी नहीं आई। जैसे दिव्य देवांगनाओं के कटीले कटाक्ष वैरागी को किंचित भी प्रभावित नहीं कर पाते। अपनी पत्नी किरणों को प्रभावित देखकर प्रभाकर का प्रवचन प्रारंभ हुआ। प्रवचन प्रासंगिक है, पर है सरोष। शत्रुता छू नहीं सकती जिन्हें, ये आरी नहीं सो नारी। महोत्सव जीवन में लाती है, सही रास्ता दिखाती है, संयम की जठराग्नि को तीव्र करती है सो महिला। अवगम ज्ञान ज्योति लाती है, वर्तमान में लाती है, और न बला सो अबला कहलाती है। पृथ्वी पर लक्ष्मी को देने वाली प्राथमिक लौकिक मंगल कुमारी है। सम शील संयम तीनों में पुरुष को कुशल बनाती है सो स्त्री है। सुख सुविधाओं का स्रोत सुता, दो हित जिसमें निहित हो वह दुहिता है। जो सबके आधार शिला हो सबकी जननी वह माता है। मात्र अंग ना है चेतन स्वरूपा है वह है अंगना। इस प्रकार इनका शाब्दिक किंतु सकारात्मक आध्यात्मिक प्रवचन ज्यों ही पूर्ण हुआ। प्रभाकर का प्रवचन वह हृदय को जा छू गया। पीता पद्मा शुक्ला लेशा धारिणी बाहर के अनुरूप बदलाहट भीतर भी तीनों बदली ये बदली।
प्रभाकर को परिक्रमा देती, तभी उपरिल देहिलता झिलमिलाई निचली स्नेहिलता से मिलाई। धरती के कण अधर में उठे और बदली के जल कणों से जा मिले। छल का दिल छिल गया, सब कुछ निश्चल हो गया, जैसे वशिष्ठ और विश्वामित्र का, राम और विभीषण का मिलन हो गया और जल को मुक्ति मिली। यूं मेघ से मेघ मुक्ता का अवतार। और मुक्ता की वर्षा होती अपक्व कुंभों पर कुंभकार के प्रांगण में, किंतु कुंभकार की अनुपस्थिति प्रांगण में मुक्ता की वर्षा हाथों हाथ हवा से उड़ी बात राजा के कानों तक जा पहुंचती है। जो ही राजा की मंडली नीचे झुकती, मुक्ता की राशि भरने को त्यों ही गगन में गुरु गंभीर गर्जना, अनर्थ अनर्थ अनर्थ, पाप पाप पाप, क्या कर रहे हैं आप? परिश्रम करो, पसीना बहाओ। मंत्री समेत सारी मंडली मूर्छित हुई। राजा कीलित हो गया, जमाने का झमकट आ गया। इसी अवसर पर कुंभकार का भी आना हुआ। देखते ही सोचने लगा, मंगलमय प्रांगण में दंगल क्यों हो रहा प्रभु? तभी शिल्पी ओंकार उच्चारण के साथ शीतल जल को मंत्रित कर सिंचन करता है। जैसे लक्ष्मण को पवित्र विशल्या का समागम होते ही मूर्छा दूर हो जाती है, जैसे अनादि मिथ्या दृष्टि को गुरु द्वारा देशना मिलते ही आत्मदृष्टि खुल जाती है, वैसे ही पल भर में मुदी आंखें खुल जाती हैं। तभी विनयावनत कुंभकार कहता है, अपराध क्षम्य हो स्वामिन, मेरी अनुपस्थिति के कारण आपको कष्ट हुआ और मुक्ता की राशि को बोरियों में स्वयं अपने हाथों से भरता है। तुरंत मंडली समेत राजमुख से निकलती है ध्वनि, सत्य धर्म की जय हो, सत्य धर्म की जय हो। इस प्रसंग में कुछ कहता है अपक्व कुंभ भी प्रजापति को संकेत कर, बाल बाल बच गए राजन, बड़े भाग्य का उदय समझो। लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन रावण हो या सीता, राम भी क्यों न हो, दंडित करेगा ही। कुंभ के व्यंगात्मक वचनों से राजा के मुख मंडल में परिवर्तन देख कुंभकार ने कुंभ की ओर बंकिम दृष्टिपात कर कहा, लघु होकर गुरुजनों को भूल कर भी प्रवचन देना महाअज्ञान है दुखमुदा, परंतु गुरुओं से गुण ग्रहण करना यानी शिव पथ पर चलेंगे हम, यूं उन्हें वचन देना महावरदान है सुखसुधा। कुंभ को समझाते कुंभकार की बातों से राजा की मति का उफान उतरता गया और कुंभकार के निवेदन पर राजा मुक्ता राशि को स्वीकारता है और मुक्ता की दुर्लभ निधि ले राजकोष को और समृद्ध करता है। इसी भांति धरती की धवलीम कीर्ति वह बढ़ती जा रही है, किंतु धरती के यश को और बढ़ाती हुई लजीली सी लौटती बदलियों को देख सागर क्षोभित हुआ, लोचन लोहित हुए उसके भ्रुकुटिया तन गई। उसकी और कुछ मनोभाव व्यक्त करता है सागर कि स्वस्त्री हो या परस्त्री, स्त्री जाति का यही स्वभाव है कि किसी पक्ष से चिपकी नहीं रहती वहाँ। इसीलिए भूल कर भी कुल परंपरा संस्कृति का सूत्रधार स्त्री को नहीं बनाना चाहिए और गोपनीय कार्य के विषय में विचार विमर्श भूमिका नहीं बताना चाहिए। न्याय पक्ष के पथिक प्रभाकर से यह सहा नहीं गया, तब बड़वानल को संकेत किया, तभी ठहाका लेता हुआ सागर व्यंग करता हुआ कहता है बड़वानल से कि पित्त प्रशमन हेतु मुझसे याचना कर सुधा कर सम सुधा सेवन किया करो और प्रभाकर का पक्ष न लिया करो। इस बार बादल को प्रशिक्षित किया है प्रचुर समय देकर, बदलिया नहीं दल बदलने वाली, झड़ से दया से पिघलने वाली, विघन डालना ही जघन काम है जिनका और नाम है घन जिनका। ऐसे तीनों बादल क्रम से कृष्ण नील कापोत रंग वाले तन के अनुरूप ही मन से कलुषित हैं। सर्वप्रथम वह बादल दल देखते ही देखते अपने पथ में बाधक बने प्रभाकर से जा भिड़ते हैं और गुरु गर्जन करते कहते हैं कि धरती का पक्ष क्यों लेता है, सागर से क्यों चिढ़ता है। अरे अब तो सागर का पक्ष ग्रहण कर ले, अवसर है, अब सर से काम ले।
अब छोड़ दे उल्टी धुन, अन्यथा ग्रहण की व्यवस्था विलंब होगी। तभी बादल दलों को जलाने हेतु प्रभा करके प्रयास को निरख नीच निराली नीति वाले सागर ने राहु को याद किया। राह में राशि मिलती देख राहु गुमराह सा हो गया। चुपचाप यह सब पाप होता रहा दिन दहाड़े सरासर सागर से निर्यात सौर मंडल की ओर। यान में भर भर कर जिलमिल जिलमिल अनगिने निधिया ऐसी हस्ती धवलिम हसिया मनहर हीरक मौलिक मणिया मुक्ता मुंगा माणिक छविया पुखरा जो की पीलिम पटिया राजाओं में राघु भरता नीलम के नगर रजतिम छड़िया। इस प्रकार राहु को रिश्वत देकर सागर पक्ष का समर्थन हुआ। राहु का घर भर गया, राहु का सर भर गया विष विषम पाप निधि से, और कोलाहल किए बिना बस साबुत ही निकलता है प्रभाकर को। दिन कर तिरोहित हुआ सो दिन का अवसान सा लगता है। सत्य परेशान हो सकता है किंतु पराजित नहीं। कर्म की कितनी ही तेज आंधी क्यों न चले किंतु आत्म स्वभाव के दीप को कभी बुझा नहीं सकती। सज्जन की भांति सूर्य धरती के पक्ष में है और सूर्य अग्नि तत्व है और अग्नि मित्र है पवन का। इस प्रसंग में अरुक अथक होकर भी पवन के पथ में है आज अपनी मित्र की आजीविका लूटती देख सारे वन उपवन में केवल भर भर आया है करुण क्रंदन। यही नहीं पंछी दल ने संकल्प लिया कि सूर्य ग्रहण का संकट यह जब तक दूर नहीं होगा तब तक भोजन पान का त्याग। बादलों का कई गुना खून बढ़ गया किंतु यह स्मरण रहे जब हवा काम नहीं करती तब दवा काम करती है, जब दवा काम नहीं करती तो दुआ काम करती है, जब दुआ भी काम नहीं करती तो स्वयं भुवा काम करती है। तब धरती के कण अपने वंश माटी की रक्षा के लिए आशीष मांगते हैं और धरती माँ के मुख से आशीर्वचन सुनते हूँ। पाप पाखंड पर प्रहार करो, प्रशस्त पुण्य स्वीकार करो। तुरंत ही रणभेरी सुनी योद्धा संभू कण उड़ते हैं नभ की और, कई जल कणों को सोखते जा रहे हैं जैसे पुण्य पाप को सुखा देता है। इस अवसर पर इंद्र भी अवतरित हुआ किंतु केवल धनुष दिख रहा इंद्र नहीं, क्योंकि महापुरुष प्रकाश में नहीं आते। महाकवि लिखते हैं कि मैं यथाकार बनना चाहता हूँ व्यथाकार नहीं, और मैं तथाकार बनना चाहता हूँ कथाकार नहीं। यहाँ महाकवि की लोकेशना से परे आत्मस्वरूप की एशना स्पष्ट झलक रही है। इस युद्ध में जहाँ देखे वहाँ भूकण ही भूकण थोड़े ही शेष है जलकण। सो सागर ने फिर से प्रेषित किए बादल दल और सागर के संकेतानुसार बिजली का उत्पादन किया। इंद्र की आंखें भी झपकने लगी तभी इंद्र ने आवेश में आ अमोघ अस्त्र बादलों पर फेंक दिया। वज्राघात से मेघों के मुख से आह ध्वनि निकली, रावण के भांति रोना सागर के लिए अपशुकन सिद्ध हुआ। सागर ने कहा बादलों से, इंद्र ने अमोक अस्त्र चलाया तो तुम राम बाण से काम लो, ईंट का जवाब पत्थर से दो और तुरंत ओला वृष्टि। लघु गुरु अणु महा त्रिकोण चतुष्कोण वाले तथा पंच पहलू वाले भिन्न भिन्न आकार वाले भिन्न भिन्न भार वाले गोल गोल सुडोल ओले क्या कहें क्या बोले, जहाँ देखो वहाँ ओले और सौर मंडल भर गया। जैसे सम्यक्त्व होते ही मिथ्यात्व के तीन टुकड़े हो जाते हैं वैसे ही भूकणों से जलकण कई भागों में बट गए। जलकणों को मस्तक पर लेकर उड़ रहे हैं भूकण जैसे हनुमान अपने सर पर हिमालय ले उड़ रहा हो। ऊपर घटती घटना को कुंभ खुली आँखों से साक्षी भाव से देख रहा है। जैसे निश्चय सम्यक दृष्टि पर द्रव्य को साक्षी भाव से जानता है देखता है। आश्चर्य तो इस बात का है कि एक भी ओला कुंभ को भग्न नहीं कर सका। अभी उपसर्ग शांत नहीं हुआ इतने में शिल्पी के सिंचन से पल्लवित गुलाब के फूल ने अपने मित्र पवन का स्मरण किया। फूल ने पवन को प्रेम से नहला दिया, बदले में पवन ने फूल को हिला दिया। प्रासंगिक कर्तव्य को जानकर पूरी शक्ति लगाकर पापोन्मुखी बादलों को अपने चपेट में ले पवन फेंक देता है जड़ तत्व के स्रोत सागर की ओर। बादल दल के साथ असंख्य ओले सागर में गिरते एक साथ, जैसे पाप कर्म के वशीभूत हो नरकों में कोलाटे लेते शठनायक नारक गिरते ज्यों।
पवन हर्षित हुआ, उत्साह से भरा सौर मंडल कह उठा, धरती की प्रतिष्ठा बनी रहे और हम सब की धरती में निष्ठा घनी रहे। बस अन्याय चाहे कितना भी करो, इंसाफ एक दिन होकर रहेगा। कोयला चाहे छुपकर ही खाओ, मुंह तो काला होकर रहेगा। कर्मों के दरबार में देर है मगर अंधेर नहीं, एक न एक दिन दूध का दूध और पानी का पानी होकर ही रहेगा। उपसर्ग दूर हो गया है, सूरज निकल आया है। जैसे अज्ञान के मेघ पटल से दूर होकर केवल ज्ञान रूपी सूरज प्रकाशित होता है, तभी कुंभकार को देख कुंभ ने कहा, परिशह उपसर्ग के बिना कभी स्वर्ग और अपवर्ग की उपलब्धि न हुई न होगी, त्रैकालिक सत्य है यह। अपक्व कुंभ की परिपक्व आस्था पर कुंभकार को आश्चर्य हुआ और कहा, आग की नदी को भी पार करना है तुम्हें, वह भी बिना नौका। इस पर कुंभ कहता है, जल और ज्वलनशील अनल में अंतर शेष रहता ही नहीं साधक की अंतर्दृष्टि में। कुंभ की ये पंक्तियां बहुत ही असरदार सिद्ध हुई। इस प्रकार चारित्र आराधना स्वरूप तृतीय खंड पूर्ण हुआ। अब होगी अग्नि की परीक्षा और मिलेगी चांदी सी राख। अवा के अंदर पहुंचाना है। जैसे दर्शन ज्ञान चारित्र और तप आराधना के बिना ध्यान का अवा तैयार नहीं हो सकता, वैसे ही इस अवा को बबूल, नीम, देवदारू और इमली, इन चारों लकड़ियों से तैयार किया है। तभी सब लकड़ियों की ओर से बबूल की लकड़ी बोली कि वैसे ही अपराधियों की पिटाई के लिए हमें बनाई जाती। अब कुंभ को जलाने में एक और हत्या की कड़ी जुड़ी जा रही इस जीवन में। तभी शिल्पी के समझाने पर लकड़ी की ओर से स्वीकारता मिली, किंतु अवा के उत्तर दिशा में मुख्य द्वार पर महामंत्र का स्मरण कर शिल्पी ज्यों ही अग्नि लगाता है, शीघ्र ही बुझ जाती है। तभी लकड़ी कहती है, मैं तो जलना चाहती हूँ पर अग्नि मुझे जलाना नहीं चाहती। तब शिल्पी पुनः जलाता है। जलती अग्नि कहने लगी, अग्नि परीक्षा के बिना आज तक किसी को भी मुक्ति मिली नहीं, न ही भविष्य में मिलेगी। लो, देखते ही देखते सुरसुराती सुलगती गई अग्नि समूचे अवा को अपनी चपेट में लेती, छोटी बड़ी सारी लकड़ियों को अपने पेट में समेट लेती। पूरा का पूरा अवा धूम से भर उठा, चारों तरफ मात्र धूम धूम धूम। जैसे कोई तपस्वी ध्यानाग्नि में कर्मों की स्वाहा करता है, तब वह धूम सिद्ध शिला तक जा मिलती है और अंत अंत में साधक को भी सिद्धालय में जा बिठा देती है। शनि शनि अब धूम का उठना बंद हुआ और शत प्रतिशत अग्नि की उष्णता उद्भासित हुई। कुंभ की पहली दृष्टि पड़ी और शत प्रतिशत अग्नि की उष्णता उद्घाटित हुई। कुंभ की पहली दृष्टि पड़ी निर्धूम अग्नि पर, चारों ओर फैली मात्र अग्नि अग्नि अग्नि। तभी ध्यान के संदर्भ में अग्नि कहती है, ध्यान की बात करना और ध्यान से बात करना, इन दोनों में बहुत अंतर है। एक शव के समान निरा पड़ा है, एक शिव के समान खरा उतरा है। तभी दर्शन और अध्यात्म के विषय में कुंभ निवेदन करता है। अग्नि कहती है,
दर्शन के बिना अध्यात्म का जीवन चल सकता है चलता ही है, पर हाँ, बिना अध्यात्म दर्शन का दर्शन नहीं। लहरों के बिना सरोवर वह रह सकता है रहता ही है, पर बिना सरोवर लहर नहीं। स्वस्थ ज्ञान ही अध्यात्म है, व्यस्त जीवन दर्शन है। तभी कुंभ से मिलता है अग्नि को साधुवाद और अग्नि धधक उठी। उसी रात कुंभकार ने स्वप्न देखा। कुंभ अग्नि की तपन से रो रहा है, जलपान करना चाहता है। स्वप्न में ही कुंभकार जलपान आदि ले जा रहा है कि स्वप्न की मुद्रा छूट गई। अवा का अवलोकन करने बढ़ती शिल्पी के चरण को देख कुंभ की ओर से स्वयं अवा ने कहा, हे शिल्पी महोदय, स्वप्न प्रायः निष्फल ही होते हैं, इन पर अधिक विश्वास हानिकारक है। इसमें स्व यानी अपना, प यानी पालन संरक्षण, न यानी नहीं, जो निज का ही रक्षण नहीं कर सकता वह औरों को क्या सहयोग देगा। तभी तो सम्यक दर्शन के लिए जागृत अवस्था चाहिए। और स्वप्न अक्षरशः असत्य निकला। तभी हाथों में फावड़ा ले अवा की छाती से राख को हटाता है और अवा से बाहर आया है सकुशल कुंभ। सावधान हो शिल्पी, अवा से एक एक कर क्रमशः धरती पर रखता जा रहा है कुंभों को। धरती की थी, है, रहेगी माटी यह। अभी कुंभ को अवा से निकले 2-3 दिन भी नहीं हुए कि शुभ भावों का उमड़न, वीतरागी श्रमण का पात्रदान, अतिथि सत्कार। जो श्रमण प्रतिकूल शत्रुओं पर कभी बरसते नहीं, अनुकूल मित्रों पर कभी हरसते नहीं और ख्याति कीर्ति लाभ पर कभी तरसते नहीं, यूं कुंभ ने भावना भाई सुभावना भवनाशिनी। इधर वह नगर के महासेठ ने भी सपना देखा कि स्वयं ने अपने ही प्रांगण में भिक्षार्थी महासंत का स्वागत किया, हाथों में माटी का मंगल कुंभ ले। उषा काल में कुंभकार के पास एक सेवक प्रेषित किया। सेवक को देख शिल्पी ने कहा, दम साधक हुआ हमारा, श्रम सार्थक हुआ हमारा और हम सार्थक हुए। तभी सेवक कुंभ को 7 बार बजाता है क्रमशः। स्वर उभरे, सारे गम पध नी, यानी सारे गम दुख आत्मा का स्वभाव नहीं है। घनश्याम सा श्याम पड़ गया है उसका शरीर। जैसे वाद्य कला कुशल शिल्पी मृदंग मुख पर स्याही लगाता है, तब वह हाथ की गदिया और मध्यमा का स्पर्श पा धा धिन धिन धा धिन धिन धा, वेतन भिन्ना चेतन भिन्ना, ता तिन तिन ता, कातन चिंता कातन चिंता। इस प्रकार कुंभ का परीक्षण और निरीक्षण हुआ। 1-2 लघु 1-2 गुरु कुंभले समुचित धन देने का प्रयास हुआ कि शिल्पी बोला, धन कोई मूलभूत वस्तु है ही नहीं। जब उपहार के रूप में भी राशि स्वीकृत नहीं हुई, तब सेवक ने शिल्पी को सादर धन के बदले धन्यवाद दिया और चल दिया कुंभले सानंद। तभी सेठ कुंभ हाथ में ले शीतल जल से धोता है, फिर दाएं हाथ की अनामिका से कुंभ के चारों ओर मलिया चल के चंदन से स्व की उपलब्धि हेतु स्वस्तिक अंकित करता है और हल्दी की 2 पतली रेखाओं से कुंभ का कंठ शोभित हुआ। कुंभ पर रखा है श्रीफल। प्रायः सबकी चोटियां अधोमुखी हुआ करती हैं, परंतु श्रीफल की चोटी अर्धमुखी है, इसीलिए श्रीफल के दान को मुक्ति फल प्रदा कहा। सेठ अपने प्रासाद के 5वें खंड पर स्थापित चैत्यालय में अभिषेक और पूजन कार्य से निवृत्त हो प्रांगण में पूरे हुए चौक के समीप माटी का मंगल कुंभ ले खड़ा हो गया। इतने में ही आते हुए अतिथि का दर्शन हुआ। प्रारंभ के कई प्रांगण बिजली की चमक की भांति पार कर गए। पात्र का प्रांगण में आना, फिर बिना पाए भोजन पान लौट जाना, घनी पीड़ा होती है दाता को इससे। एक दाता ने तो मन की बात सहज भाव से सुना दी कि हे महाराज, विधि नहीं मिली तो नहीं सही, कम से कम इस ओर देख तो लेते। स्वामिन, कई बार पात्र मिले पर भावना नहीं जागी, आज भावना बलवती है, अतः आहार हमारे यहाँ हो,
बस इसमें दोष लगेगा तो मुझे लगेगा, आपको नहीं स्वामी। हे कृपा सागर, कृपा करो, देर नहीं, अब दया करो। तभी मुस्कान के साथ मुनि आगे बढ़ जाते हैं। दाता बोला, दांत मिले तो चने नहीं, चने मिले तो दांत नहीं, दोनों मिले तो पचाने को आत नहीं। तभी कुंभ ने सेठ को सचेत किया, पात्र से प्रार्थना हो पर अतिरेक नहीं। इस समय सब कुछ भूल सकते हैं पर विवेक नहीं। सेठ संयत हुआ और संत की गति मंद हुई देख मध्यम मधुर स्वरों में अभ्यागत का स्वागत प्रारंभ हुआ। भो स्वामिन, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र अत्र अत्र, तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ। संत आरुके प्रांगण में जैसे ग्रह नक्षत्र ताराओं समेत रवि और शशि मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा देते हैं, वैसे ही सपरिवार सेठ अतिथि की परिक्रमा लगाता है। पुनः मन वचन काय शुद्ध है, अन्नपान शुद्ध है, आइए स्वामिन। बिना पीठ दिखाए संत को भोजनालय में उच्चासन आसीन किया। मानो हृदय के आंगन से मन के मंदिर में ज्ञान की वेदिका पर स्थापित किया हो। चरणाभिषेक का गंधोदक मस्तक पर लगाया, अष्टकर्म नाश हेतु अष्ट द्रव्य से पूजन कर आहार हेतु निवेदन किया। संत ने प्रभु होने के लिए प्रभु का स्मरण किया और दोनों हाथों को पात्र बनाकर अंतर में अध्यात्म रस को पीते हुए समता भावों से हाथों को आगे बढ़ाया। स्वर्ण कलश, रजत कलश, स्फटिक की झारी, ये सब दिखाने पर भी संत ने करपात्र नहीं खोला। तब कपते हाथों से माटी के कुंभ को आगे बढ़ाया सेठ ने, तुरंत ही अंजलि खुल पड़ती है। इस भांति भोजन में गोरस चल रहा है, भीतर में शांत रस चल रहा है। इधर घर के सब बाल बालाओं को भीतर रहने की आज्ञा मिली है, फिर भी बीच बीच में खिड़कियों से एक दूसरे को आगे पीछे करते बाहर झांकने का प्रयास चल रहा है। सीमा में रहना असंयमी का काम नहीं, और इधर सर को भी कसकर बांध रखा है सेठ ने। बालों के बवाल से बचने हेतु कहीं अंतराय न हो जाए इस भीति से। तभी सानंद संपन्न हुआ आहार दान, तन शुद्धि करके संत परम तत्व में लीन हो गए। तदनंतर सेठ ने मयूर पंख की पिच्छी संत को प्रदान की और कमंडलों में तन शुद्धि हेतु प्रासुक जल भर दिया। आसपास की जनता अतिथि के पावन दर्शन हेतु आंगन में आ खड़ी है। तभी सेठ ने प्रार्थना की पात्र से कि एक ऐसा सूत्र दो हमें, जिस सूत्र में बंधे हम अपने अस्तित्व को पहचान सकें। तभी करुणा के सागर संत ने अंतस का अध्यात्म रस बिखेर दिया और बोले कि बाहर ये जो कुछ भी दिख रहा है सो मैं नहीं हूँ और वह मेरा भी नहीं है। ये आँखें मुझे देख नहीं सकती, मुझ में देखने की शक्ति है, उसी का मैं सृष्टा था हूँ रहूँगा, सभी का दृष्टा था हूँ रहूँगा। बाहर यह जो कुछ भी दिख रहा है सो मैं नहीं। यूँ कहते कहते चल पड़े वह उपवन की ओर। पात्र के पीछे छाया की भांति चल रहा है सेठ। नगर के निकट उपवन है, उपवन में नसिया जी है। नसिया में नेमिनाथ भगवान का दर्शन हुआ, निज आत्मा का भान हुआ। एक बार और नमन किया, लौटने लगा पर तन टूटने लगा। लोचन सजल हो गए और फूट फूट कर रोने लगा। पथ ओझल सा हो गया, जैसे अनादि मिथ्या दृष्टि को एक बार सम्यक दर्शन होकर पुनः छूट जाता है, वैसे ही पुनः घर की ओर जा रहा है सेठ। जैसे वर्षा के बाद कांतिहीन बादलों की भांति, तेल समाप्त हुए दीप की भांति, मूल धन से हाथ धो खाली हाथ लौटते बनिए की भांति, घृत निकलने के बाद नीरस दूध की भांति, सहपाठियों के समक्ष हारे हुए की भांति, धूल में गिरे फूल की भांति, माँ के विरह में रह रहकर सिसकते शिशु की भांति, बसंत का अंत हो जाने पर वन की भांति, मरुभूमि में सरकती पतली सरिता सा घर की ओर जा रहा सेठ। पूरा परिवार अपार हर्ष में डूबा है, किंतु सेठ के मुख को गौर से देखकर कुंभ ने कहा,
संत समागम की यही तो सार्थकता है कि संसार का अंत दिखने लगता है। समागम करने वाला भले ही तुरंत संत संयत बने या न बने, इसमें कोई नियम नहीं है, किंतु वह संतोषी अवश्य बनता है। सही दिशा का प्रसाद ही सही दशा का प्रसाद है। और सेठ और परिवार का माटी के पात्रों के प्रति झुकाव देखकर स्वर्ण की थालियां, गोल गोल कलशियां, कुंद पुष्पसम शुभ्र लोटे प्याले कटोरे राकेंदु समरस्तिम थालियां, बढ़िया बढ़िया स्फटिक की माणिक की झारियां, तरह तरह की तश्तरियां, चम चम चमकने वाली चमचियां, यह सब क्या हो रहा है? यूं सोचते चमत्कृत हो गए। आज का दिन भी पूर्ण नहीं हुआ और माटी का इतना स्वागत समादर। शांति के साथ सेठ ने कहा कि मात्र रज को कोई सर पर नहीं चढ़ाता मूढ़ मूर्ख को छोड़कर। रज में पूज्यता आती है चरण संपर्क से। यह सब प्रभाव जो हम पर पड़ा है समता के धनी श्रमण का है। अंत में यूं कह सेठ भोजन प्रारंभ करता कि कलश ने व्यंगात्मक कहा, कोश के श्रमण बहुत बार मिले हैं, होश के श्रमण होते विरले ही। खदबत खदबत खिचड़ी का पकना वह अविकल चलता ही रहा और संत के नाम पर और आक्रोश, सभी बर्तन क्रोधित हैं। कारण संत ने उनसे आहार नहीं लिया, माटी के बर्तन से आहार लिया है। तभी लेखनी स्वर्ण कलश को मशाल और माटी के कुंभ को दीपक की उपमा देती है। इस भांति कुंभ और अन्य पात्रों के बीच वाद विवाद होता गया। प्रायः सब पात्रों ने माटी के पात्र को उपहास का पात्र ही बनाया और खुलकर सेठ और श्रमण की अभिनय की। अब इधर परिवार का भोजन पूर्ण हो चुका है। दैनिक कार्यों से निवृत्त हो सो रहा पूरा परिवार, किंतु बार बार करवटे ले रहा सेठ। उसका तन आमूल चूल तवा सम तप रहा है और लाल लोहित कपाल बना सेठ का, जिस पर बैठने को मचलता हुआ एक मच्छर जो बैठ नहीं रहा घबरा रहा है। उसके मित्र मतकुण यानी खटमल को भी कुछ नहीं मिला, क्योंकि सेठ का तन तप रहा है। एक से एक अनुभवी चिकित्सा विद्या विशारद विश्वविख्यात वैद्य सेठ की चिकित्सा हेतु आए हैं। क्रमशः सबने अपने निर्णय लिए। सबका अभिमत एक रहा कि दाह का रोग हुआ है, आह का योग हुआ है, चाह का भोग हुआ है। इसमें कारण है गुरु का विरह। जैसे केवली श्रुत केवली के पाद मूल बिना क्षायिक सम्यक्त्व नहीं हो सकता, वैसे ही प्रकृति के आश्रय बिना प्रकृति यानी स्वस्थ स्वभाव का दर्शन कैसे हो सकता है। प्रासंगिक विषय में माटी का कुंभ बोल पड़ा, पथ्य का सही पालन हो तो औषध की आवश्यकता ही नहीं, और यदि पथ्य का पालन नहीं हो तो भी औषध की आवश्यकता नहीं। तभी यह सूक्ति गुनगुनाती है, माटी पानी और हवा सौ रोगों की एक दवा। कुमकुम समृद्धु काली माटी में नपा तुला शीतल जल मिला, उसे रौंद रौंद कर एक टोप बनाकर मूर्छा के प्रतिकार हेतु सेठ जी के सर पर चढ़ाया गया। तब तो लोह पिंड की भांति वह उष्णता को प्रतिपल पीने लगा, अधरों का सूक्ष्म स्पंदन होने लगा, भीतर ही भीतर ओमकार का उच्चारण हो रहा है, किंतु आँखों में तीव्र जलन है। तब माटी के कुंभ ने कहा कि मात्र हृदय स्थल को छोड़कर शरीर के किसी भी अवयवों पर माटी का प्रयोग किया जा सकता है। इतना सुनते ही दोनों आँखों पर माटी रखी गई और कुछ ही पलों में वैद्यों ने देखे सफलता के लक्षण। तभी भोजन पान के विषय में भी चिकित्सक दल ने कहा कि माटी के पात्र में तैयार किया गया निर्विकार चक्र का सेवन कराना है, साथ ही कर्नाटकी ज्वार का रवादार दलिया देना है, किंतु संध्या काल को टाल कर, क्योंकि योग के काल में भोग का होना रोग का कारण है और भोग के काल में रोग का होना शोक का कारण है। जैसे इस महाकाव्य में माटी ही माटी की महत्ता है, वैसे ही जीवन में आत्मानुभूति की ही महत्ता है। इस भांति माटी के सफल उपचार से माटी का यश बढ़ता जा रहा है, इधर स्वर्ण कलश का क्रोध बढ़ता जा रहा है, किंतु क्रोध की क्षमता है कितनी? क्षमा के सामने कब तक टिकेगा वह? तभी सौम्य भावों से भरा माटी के कुंभ ने स्वर्ण कलशी से कहा, ओरी कलशी, कहाँ दिख रही है तू कलसी? केवल आज कर रही है कल की नकलसी, तू रही नकलसी कलसी।
वह मधुरीम सुधा कहीं गई है निकलसी और ही कलसी, कहाँ दिख रही है तू कलसी? माटी के व्यंगात्मक भाषा सुन बदले के भाव से भरा भीतर से जलता घुटता स्वर्ण कलश परिवार सहित सेठ को समाप्त करने का षड्यंत्र करता है। दिन और समय निश्चित होता है आतंकवाद को आमंत्रित करने का और गुपचुप मंत्रणा होती है स्वर्ण कलश की अपने सहचरों से अनुचरों से। तभी स्वर्ण कलश के सन्मुख बड़ी समस्या खड़ी हुई कि अपने में ही एक और असंतुष्ट दल का निर्माण हुआ है और उस दल की संचालिका है स्फटिक की उजली झारी। वह प्रभाविता है माटी के कुंभ से, धीरे धीरे झारी का पक्ष सबल होता जा रहा है। चंद चमक से उछलती हुई चांदी की कलशियां, चालाक चालकों से छली बड़ी छोटी चमचियां, तामस्ता से तने तम तमाते ताम्र बर्तन और भी भ्रम में पड़े प्यासे प्याले प्यालियां, ऐसे लगभग सभी भाजन स्वर्ण पक्ष को ठुकरा कर झारी के चरणों में झुकते हैं। तभी झारी कहती है, हे स्वर्ण कलश, संत की दृष्टि में सोने की गिट्टी और मिट्टी एक है, अब मान यान से नीचे उतर कर आओ तुम। जैसे सीता को लौटाने हेतु मंदोदरी का संबोधन रावण को कहाँ प्रभावक रहा और विभीषण भी राम में जा मिला, वैसे ही स्फटिक की झारी माटी के पक्ष में मिलकर संकेत करती है और कुंभ ने सेठ परिवार को सचेत किया। तभी आसपास की निरपराध जनता आतंकवाद में कहीं फंस न जाए, इस पवित्र भावना से घर के पिछले द्वार से पूरा परिवार निकल जाता है। सेठ के हाथ में है मात्र एक पथ प्रदर्शक कुंभ, पीछे पाप भीरु परिवार। इस प्रकार पुर गोपुर पार कर घनी वनी में जा पहुँचे। तभी बांस पंक्ति वंश मुक्ता की वर्षा करती है। इसी बीच सिंह से सताया भयभीत हाथियों का दल अपनी ओर आता देख परिवार ने कहा, डरो मत, प्रेम भरी आंखों से बुलाया उसे। सुनते ही गजदल गजमुक्ता चढ़ाता है विनीत भाव से। तभी पीछे से गरजती हुई आई आतंकवाद की ध्वनि, अरे कातरों ठहरो, काया का राग छोड़ दो अब। तभी पीछे मुड़कर देखा, क्रूर रौद्र आकार वाले आतंकवाद को देख गजदल भी परिवार को बीच में करता हुआ चारों ओर से घेर कर खड़ा हो गया। हाथियों की गर्जना से गगनांगन गूंज उठा, बड़ी बड़ी बामियां धूल बनकर गिर पड़ी, कूर बिस्तर बाहर आ निकले। सर्पों ने परिवार को निर्दोष, गजदल सरोष और आतंकवाद का दल सरोष है यह जान लिया तब तो प्रधान सर्प ने कहा कि क्रूर अपराधी को क्रूरता से दंडित करना भी एक अपराध है, अतः किसी को काटना नहीं मात्र शत्रु को शह देना है। और चारों ओर घिर गए अनगिन नाग नागिन। आतंकवाद ही स्वयं आतंकित हुआ और घनी वनी में जा छुप गया। सर्प अपद हैं किंतु बिना कारण किसी को काटते नहीं। जिन पदों की पूजा के लिए इनका जीवन तरस रहा था, ऐसे सेठ व परिवार के समक्ष मौलिक दुर्लभ नागमणि का अर्पण हुआ। वहीं से बार बार आतंकवाद झाड़ियों से झांकता रहा और तुरंत साधित मंत्रों से मंत्रित सात नींबू काली डोर में बांधे काली मेघ घटाओं की कामना के साथ शून्याकाश में उछाल दिए। तुरंत ही काली घनी मेघ घटाएं छा गई, मूसलाधार वर्षा के साथ ओलावृष्टि होने लगी, किंतु गजदल से परिवार का रक्षण चलता रहा। इतने में बादल दल छट गए, परिवार खड़ा है नदी तट पर। यहीं से लौटने का उद्यम हुआ कि कुंभ ने सचेत किया, अभी आतंकवाद गया नहीं, जैसे कर्म जब तक जीवित हैं अव्याबाद सुख हो नहीं सकता, वैसे ही जब तक जीवित है आतंकवाद धरती शांति की श्वास ले नहीं सकती। तभी रस्सी के एक छोर को कुंभ के गले में बांध, अपनी अपनी कमर में रस्सी बांध, ओमकार स्मरण के साथ नदी की तेज धार में कूद गए। कुंभ महायान का काम कर रहा है, नदी धरती का तिरस्कार कर अपनी ही प्रशंसा में डूबी थी। सेठ के समझाने पर और प्रतिकूल हुई भंवर चलने लगी, सबके सब विवश हो बहे जा रहे। तभी कुंभ ने नदी को ललकारा, यह धरती विलोम रूप से भी ध यानी तीर को धारण करती है और ध के स्थान पर थ के प्रयोग से तीरथ बनता है, फिर भला कैसे डुबा सकती हो तुम हमें जब आग की नदी को पार कर आए हम।
तत्काल कुंभ का माँ धरती के प्रति समर्पण को देख एक महामत्स्य मुक्ता प्रदान करता है। इसकी विशेषता यह है कि अगाध जल में भी पथ पा जाता है, और यही हुआ तुरंत। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थी संपरिवार प्रसन्न है, किंतु आतंकवाद का वही रंग है, वही ढंग है, अंग अंग में वही व्यंग है। जैसे मुक्ति पथ के पथिक को कर्म का आतंक अंत अंत तक बाधा देता है, वैसे ही यहाँ घटित हो रहा है। और नदी से आतंकवाद की प्रार्थना, ओ माँ जल देवता, क्या इन पापियों को भी प्यार करती है? तो यदि नहीं तो इन्हें डुबो दे। इस पर नदी कहती है, जो कुछ है धरती की शोभा इनसे ही है, अब बल का दुरुपयोग नहीं होगा। समर्पण हो चुका है, ऊर्जा उपासना में पलट चुकी है, किंतु आतंकवाद की नौका को और गति मिली। परिवार के सम्मुख आ अंधा धुंध पत्थरों की वर्षा करने लगा, पत्थरों की मार से रक्त की धारा बह उठी है। ऐसी स्थिति में भी सेठ का संघर्ष चल ही रहा है, आतंकवाद का कुंभ को फोड़ने का प्रयास, कमर में कसी रस्सी को काटने का प्रयास भी सफल नहीं हुआ। मानो जल देवता ने ही परिवार के चारों ओर रक्षा मंडल की रचना की हो, जैसे सीता मैना सुलोचना की रक्षा की थी देवों ने। यह चमत्कार मत्स्य मुक्ता का भी हो सकता है, किंतु आतंकवाद की क्रूरता चरम सीमा पर है। अपने हाथों में बड़ा सा जाल ले परिवार के ऊपर फेंकने को है कि धरती के उपासक पवन से यह देखा नहीं गया, तत्काल प्रलय का रूप धरता है और एक ही झटके में जाल को दूर शून्य में फेंक दिया। कई गोलाटे लेते हुए नाव में ही सिर के बल गिर गया आतंकवाद का दल, नाव भी डावाडोल हो गई और लगभग सब डूबने को है। सेवक की भांति पवन भी कुंभ के संकेत से संयत हुआ, परिवार को तीन परिक्रमा देती आतंकवाद की नाव। जैसे लक्ष्मण की मूर्छा टूटी विशल्या की मंजुल अंजुली के जल सिंचन से, वैसे ही आतंकवाद की मूर्छा टूटी, किंतु फिर वही पकड़ो पकड़ो, ठहरो ठहरो, मारो या हमारा समर्थन करो। यह सुनकर परिवार का दिल हिल उठा। आत्मसमर्पण की सोच ही रहा था कि नदी ने कहा, उतावली मत करो, सत्य का समर्पण वह भी असत्य के सामने। क्या सती चलेगी विभिचारिणी के पीछे? नहीं नहीं, कभी नहीं। कहती कहती नदी कोपवती हो आतंक की नाव को नचाने लगी। तुरंत ही आतंक दल ने परिवार डुबोने के लिए जल देवता का स्मरण किया। तब देवों ने कहा, विद्या बल की अपनी सीमा होती है, हम स्वयं सेठ परिवार के समक्ष मृग शावक से खड़े हैं। इतने में ही आतंक दल की नाव डूबने लगी। देवता दल की बात सच निकली, पश्चाताप से घुटता कहता आतंक कि हे क्षमा के अवतार, तुम्हारे बिना हमें यहाँ शरण नहीं है। तब सेठ ने कहा, माँ धरती की आंखों में नहीं, गोद में शरण लो। तुरंत ही डूबते हुए आतंकवाद के 9 सदस्यों को सेठ परिवार के सज्जन सदाशयी सम्मित दृष्टि 9 आत्माओं ने हस्तावलंबन दे तार दिया। आतंकवाद का अंत और अनंतवाद का श्री गणेश, संसार का अंत सिद्धालय का श्री गणेश। आगे ही मंगल कुंभ और इधर नदी के कूल में आकुलता दिखने लगे। कुंभ का स्वागत करना है उसे, तभी चाव से कुंभ ने तट का स्पर्श किया। कर्मों की नदी से बाहर निकल आए सब प्रसन्नता की श्वास स्वीकारते। परिवार ने कटे में कसी रस्सी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की, और परिवार छने जल से कुंभ को भरकर आगे बढ़ा कि वही पुराना स्थान जहां माटी लेने आया है कुंभकार। परिवार सहित कुंभ ने कुंभकार का अभिवादन किया कि स्मृतियां ताजी हो आई। फूली फूली धरती कहती है, माँ को प्रसन्नता है बेटा, तुम्हारी उन्नति देखकर मेरी आज्ञा का पालन कर कुंभकार का संसर्ग किया, सो प्रथम खंड हुआ, उसके चरणों में तुमने अहम का उत्सर्ग किया, सो द्वितीय सर्ग हुआ। समर्पण के बाद बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती हैं, जो उपसर्ग सहन किया सो तृतीय सर्ग हुआ, परीक्षा के बाद जो परिणाम निकला वह अंतिम चतुर्थ सर्ग हुआ। धरती की भावना सुन सबने कृतज्ञता की दृष्टि से कुंभकार को देखा।
तो बोला, वह यह सब ऋषि संतों की ही कृपा है। और कुछ ही दूरी पर वृक्ष के नीचे संत को देख सादर प्रदक्षिणा दे सबने प्रणाम किया, पदाभिषेक कर गंधोदक सर पर लगाया। गुरु का आशीष मिला कि शाश्वत सुख का लाभ हो। तभी भूतपूर्व आतंकवाद ने कहा, हम भी आप जैसे बन सकें, इसलिए तुम्हारी भावना पूरी हो ऐसा वचन दो हमें। तभी गुरु ने कहा, वचन हम अपने गुरु को दे चुके, प्रवचन दे सकते हैं, तुम्हें वचन नहीं। मैं जहाँ हूँ वहाँ आकर देखो मुझे, तुम्हें होगी मेरी सही सही पहचान। तुम्हारे विश्वास को अनुभूति मिलेगी, अवश्य मिलेगी, मगर मार्ग में नहीं, मंजिल में। और महामौन में डूबते हुए संत और माहौल को अनिमेश निहारती सी मूक माटी। गुरु ज्ञान सागर में जन्मे वेद क्या कारस
कहानी, मूक माटी की कहानी, ये है माटी।